माई डियर स्टूडेंट्स, एक और बड़ा कन्वीनियंट मेथड जॉइन का है जो कि दो फ्रेम्स को जॉइन करता है बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रेम है और एक दूसरा फ्रेम है, फ्रेम वन में मैं इंडेक्स कॉलम ऐड करता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू, तो अली की मिसाल के तौर पर आईडी मैं डालता हूँ एस वन स्टूडेंट वन, सलीम की स्टूडेंट टू, नासिर की स्टूडेंट थ्री और राशिद की स्टूडेंट फोर, ये मैंने इंडेक्स डाल दिया। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा फ्रेम है, उसमें अली की आईडी एस वन, सलीम की एस टू, नासिर की एस थ्री और सबा की आईडी एस फाइव, क्योंकि एस फोर तो राशिद की आईडी है। अब मैं इन दोनों फ्रेम को जोड़ना चाहूँ तो फ्रेम वन डॉट जॉइन फ्रेम टू करूँ मैं, अब यहाँ पर मैं नेम को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स की बुनियाद पर कॉलम्स को मर्ज कर लिया, इंडेक्स की बुनियाद पे दो फ्रेम मर्ज हुए हैं, दो फ्रेम ज्वाइन हुए हैं एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, क्योंकि ये इनर ज्वाइन है। यहाँ पे मैं हाउ में अगर बताऊँ लेफ्ट ज्वाइन, तो एस वन जो है अली, उसकी आईडी एस वन है, एस वन का डेटा अली, नेम आ गया, एज 20 आ गया और इंडेक्स जो है एस वन पे यहाँ पे CGPA 2.0 पड़ी हुई है। इसी तरीके से सलीम को उठा लिया इसने, नासिर उठा लिया और राशिद का डेटा उठा लिया एस फोर, राशिद का डेटा। अगर मैं इसको राइट जॉइन करूं तो राइट जॉइन में जो है आप देख सकते हैं कि एस फाइव का डेटा आ रहा है, एस फाइव के अगेंस्ट जो है पहले फ्रेम में कुछ भी मौजूद नहीं है तो नल नल आ रहा है और CGPA आ रही है। तो ये लेफ्ट जॉइन लगा रहे हैं, राइट जॉइन लगा रहे हैं या इनर जॉइन लगा रहे हैं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इनर जॉइन लगाऊं तो सिर्फ तीन कॉलम्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो जॉइनिंग हो रही है वो डिपेंड कर रही है इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स सेम है तो ये उसकी बुनियाद पे जॉइन कर रहा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे एक कॉलम रिमूव किया था थोड़ी देर पहले, नेम का कॉलम, प्रॉब्लम यह है क्योंकि नेम जो है दोनों में मैच कर रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि लेफ्ट वाले कॉलम जो मैच कर रहा है लेफ्ट वाले फ्रेम से उसको मैंने क्या सफिक्स देना है,
राइट वाले फ्रेम में जो कॉलम मैच कर रहा है उसको क्या सफिक्स देना है। तो जैसे नेम जो है, लेफ्ट वाले फ्रेम के नेम को मुझे क्या नाम देना है, तो मैं लेफ्ट सफिक्स कहूँगा F1 यानी फ्रेम वन का नेम, और राइट सफिक्स मैं कह रहा हूँ फ्रेम टू का नेम। तो लेफ्ट वाले फ्रेम का सफिक्स जो है नेम फ्रेम वन, राइट वाले फ्रेम के लिए सफिक्स F2 लगाया है तो नेम F2, वो के दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर मैच ना भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैचिंग तो उसने इंडेक्स की बुनियाद पे करनी थी, तो अगर कॉलम मैच कर रहे हैं या ना कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों कॉलम अगर सेम नेम के हैं तो दोनों के सफिक्स हमें देख के उनको डिफ्रेंशिएट कराना होगा।